वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एमसीक्यूज आईसीटी स्किल से पार्ट 3 फॉर क्लास 10। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेरी फाइल। बेटा जो आपकी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशंस क्या होती है? ऑप्शंस आर .tmp, .exe, .bmp, .xls। जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, जैसे कि आपको इनके ऑप्शन से ही गैस भी हो रहा है, उनका ऑप्शंस क्या होता है टेम्परेरी फाइल्स का? दैट इज़ TMP। राइट आंसर क्या है? TMP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेस ऑन द कीबोर्ड टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। आप क्या प्रेस करोगे रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? ऑप्शंस हैं Ctrl+R, Alt+R, Windows+R या नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसका राइट आंसर है आपका Windows+R। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ओपन टेम्प फोल्डर टाइप डैश इन रन डायलॉग बॉक्स। अगर आपको टेम्प फाइल टेम्परेरी फाइल ओपन करनी चाहते हो आप, देन इफ यू वांट टू ओपन टेम्प फोल्डर, तब आप क्या राइट करोगे रन डायलॉग बॉक्स में? टेम्प परसेंट या परसेंट टेम्प परसेंट या हैश टेम्प हैश या फिर एनी ऑफ द अबव। अगर आपको ऑल टेम्परेरी फाइल्स देखनी है देन आप यूज़ करोगे बेटा परसेंट टेम्प परसेंट। राइट आंसर है परसेंट टेम्प परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डिवाइस दैट मोनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स इज। जो आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है, तो वो डिवाइस कौन सा है इनमें से? एंटीवायरस, मेलवेयर, फायरवॉल या नन ऑफ द अबव। बेटा डिवाइस का नेम है आपका फायरवॉल। फायरवॉल आपका ऐसा डिवाइस है दैट कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक्स। ये जितना भी एक वॉल का वर्क करता है, आपके सिस्टम के पास जितने भी मेल्स आ रहे हैं रूट से, ठीक है, वो चेक करेगा कि ये आपके सिस्टम के लिए है, इस पर आपका एड्रेस है, तो उन मेल्स को आप तक आने देगा, अदरवाइज ये उन्हें बैक रिटर्न कर देता है। देन राइट आंसर इज फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन फायरवॉल इज अ डैश। फायरवॉल क्या है आपका? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या नन ऑफ द अबव। फायरवॉल आपका राइट आंसर है इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इट्स बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द स्मॉल फाइल्स विच आर स्टोर्ड ऑन यूजर कंप्यूटर व्हेन अ यूजर विजिट ए वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ये स्मॉल फाइल्स हैं, जब आप नेट विजिट करते हो, वेबसाइट विजिट करते हो, तो ये यूजर के कंप्यूटर पे स्टोर हो जाती हैं। उन्हें क्या बोलते हो आप? इमेज, कुकीज, फायरवॉल या नन ऑफ अबव। देखिए इमेज भी नहीं है, क्योंकि इमेज क्या होता है? पिक्चर्स। फायरवॉल भी नहीं है, देन राइट आंसर इज कुकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी फाइल। इनमें से कौन सी आपकी टेम्परेरी फाइल है? जिसकी एक्सटेंशन आपकी .tmp होगी वो आपकी टेम्परेरी फाइल होगी। देन ऑप्शंस आर, फर्स्ट है ऑप्शंस आपका flower.jpg, ये नहीं है, ये आपकी इमेज फाइल है, ये आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है, ये भी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है, ये आपकी टेम्परेरी फाइल है। देन राइट आंसर इज web.tmp। आपको एक्सटेंशन चेक करनी है किसकी एक्सटेंशन tmp है, तो वो आपकी फाइल टेम्परेरी फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुकीज आर ऑलवेज हार्मफुल। हमेशा हार्मफुल होती हैं कि कुकीज़? मैनी टाइम्स कई बार आप ऐसा होता है कि हाँ कुछ चीज़ सर्च कर रहे हो आप और भूल जाते हो कि आपने ये कौन सी वेबसाइट से ली थी, तो हमेशा कुकीज़ हार्मफुल नहीं होती, दैट इज़ फॉल्स। आंसर आपका फॉल्स। नेक्स्ट वन इज डैश आर टाइपिकली कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट योर विजिट टू द वेब पेज और रिकॉर्ड योर लॉगिंग इन्फॉर्मेशन। ये आपकी इन्फॉर्मेशन रखता है कि आपने कौन सा वेब पेज विजिट किया है और आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड कर लेता है। अगेन वही क्वेश्चन है,
अभी ऑप्शंस है कुकीज, इमेज, फायरवॉल या नन ऑफ अबव। इमेज भी नहीं है आपका इसका आंसर, फायरवॉल भी नहीं है, राइट आंसर इज कुकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस डैश टू सेलेक्ट ऑल फाइल्स। अगर आपको ऑल फाइल्स सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एस तो बेटा सेव करने के लिए होती है, अगर आपको कोई फाइल सेव करनी है तब आप यूज करते हो, कंट्रोल ए ये आपकी सेलेक्ट ऑल, जितनी भी फाइल्स सेलेक्ट करनी है आपको डेस्कटॉप पर या जितनी भी फाइल्स आपके पास अवेलेबल है उन सबको सेलेक्ट करना है, देन यू यूज कंट्रोल प्लस ए, देन राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायरस इज एन एक्रोमियम फॉर, वायरस की फुल फॉर्म क्या है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, या विटल इंफॉर्मेशन रिमार्क अंडर सीज, विटल इंफॉर्मेटिव रिसोर्स अंडर सीज, देन राइट आंसर है बेटा जो आपका वायरस की फुल फॉर्म है एक्रोनियम फॉर वायरस इज विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम एंड अल्टर देयर बिहेवियर। ये अपने आप आपके प्रोग्राम से ऐड हो जाते हैं और उनका बिहेवियर चेंज कर देते हैं। उनके ऑप्शंस हैं कुकीज, कुकीज होता है क्या बेटा जो खुद ऐड हो जाता है आप, नो, फायरवॉल भी नहीं होता, देन राइट आंसर इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम एंड अल्टर द देयर बिहेवियर। नेक्स्ट वन इज, ए कंप्यूटर वायरस कैन इन्फेक्ट ओनली, कंप्यूटर वायरस किसे इन्फेक्ट करता है, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, बोथ या नन ऑफ अबव। कंप्यूटर वायरस बेटा बोथ को इफेक्ट करता है, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, देन राइट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कंप्यूटर कैन इन्फेक्टेड विद वायरस बाय इन्फेक्टेड फाइल, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव, इन्फेक्टेड फाइल अटैचमेंट ऑफ ईमेल या ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर वायरस इफेक्ट कर सकता है इनमें से किसी भी ऑप्शन से, चाहे आपने इन्फेक्टेड फाइल अप्लाई की हो या फिर पेन ड्राइव इन्फेक्टेड हो या फिर आपकी ईमेल्स की फाइल्स इफेक्टेड हो, देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज, ए कंप्यूटर वायरस कैन नॉट, कंप्यूटर वायरस क्या नहीं कर सकता, इन्फेक्ट फाइल्स ऑन डीवीडी और सीडी और डीवीडी इफ दे आर क्लोज फॉर राइटिंग, इन्फेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड माउस, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। इनमें से क्या चीज इफेक्ट नहीं कर सकता है, कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डैश, बताइए इनमें से सोच के कंप्यूटर वायरस क्या नहीं कर सकता बेटा। तो इसका आंसर है बेटा कंप्यूटर वायरस अगर आपकी सीडी और डीवीडी क्लोज है तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, एंड सेकंड वन आपके माउस कीबोर्ड को भी इफेक्ट नहीं करेगा, इट मींस आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉमन साइन ऑफ वायरस अटैक इज, आपको कैसे पता चलेगा इट्स अ वायरस अटैक, देन कॉमन साइन क्या होंगे वायरस अटैक के। ऑप्शंस आर कंप्यूटर रन वेरी स्लो, इट्स राइट। सेकंड, देयर इज अ चेंज इन द फाइल साइज, फाइल के साइज में भी चेंज हो जाता है, यस। कंप्यूटर रीस्टार्ट ऑन इट्स ऑन, और कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट होने लग जाता है, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू प्रिवेंट कंप्यूट वायरस इन्फेक्शन वी शुड ए इंस्टॉल एंड यूज एंटीवायरस। अगर आपके सिस्टम को आप वायरस अटैक से बचाना चाहते हो देन व्हाट यू डू, आप एंटीवायरस को इंस्टॉल करोगे, यस। सेकंड वन इज, नॉट ओपन ईमेल ऑफ अननोन पर्सन और सेंडर्स, यस। उसमें अननोन पर्सन्स की मेल्स को नहीं ओपन करना चाहिए, मे बी दैट मेल इन्फेक्टेड बाय वायरस। नॉट अलाउ एनी अनट्रस्टेड पर्सन टू यूज यूअर सिस्टम, यस, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, इनमें से कौन सा एंटीवायरस है आपको नेम बताना है। फर्स्ट वन है आपका नॉर्टन एंटीवायरस, क्विक हील, मैकफी वायरस स्कैन एंड ऑल ऑफ द अबव। ये बेटा ऑल आपकी वायरस एंटीवायरस के नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीवायरस प्रोग्राम कैन बी इफेक्टेड व्हेन, एंटीवायरस प्रोग्राम कैन बी इफेक्टिव, तभी इफेक्टिव होते हैं जब आप क्या करोगे उनका। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इट रन इन द बैकग्राउंड ऑल द टाइम। सेकंड,
It is regularly updated. Third one, it scans full disk periodically. एंड लास्ट वन ऑल ऑफ अबव. एक एंटीवायरस तभी इफेक्टिव होगा जब ये बैकग्राउंड में वर्क करता रहे और रेगुलरली अपडेट हो एंड पीरियडिकली वो स्कैन करता रहे डिस्क को. इसका मतलब राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर वायरसेस. कंप्यूटर वायरस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी. फर्स्ट वन इज इट मेक कॉपी ऑफ इट सेल्फ. यस, ये अपनी कॉपी क्रिएट कर लेता है. इट मेक द सिस्टम स्लो. यस, इट मे गेट इफेक्टिव एट सर्टेन डेट एंड टाइम. ये एक्टिवेट होता रहता है कुछ टाइम और कुछ पीरियड्स के बाद अपने आप. इट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. देन राइट आंसर है आपका बेटा ऑल ऑफ द अबव. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.